दिल्ली नगर निगम के अंदर कई महीनों से जो समाज का सबसे गरीब तबका होता है, सबसे मेहनती तबका होता है, जिन्होंने इस कोरोना की महामारी के अंदर दिल्ली के अंदर जी जान से काम किया, सफाई कर्मचारी हों, नगर निगम के कर्मचारी हों, अस्पतालों के डॉक्टर हों, नर्स हों, सैनिटेशन स्टाफ हो, इन सब लोगों को कई महीनों से तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। इस कारण ये लोग हड़ताल पे दोबारा गए हैं और लगभग ये वो स्थिति है जो आज से 5 साल पहले की स्थिति थी कि दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी, सैनिटेशन वर्कर्स बार बार हड़ताल पे जाएं, उनकी तनख्वाहें रोकी जाएं, दिल्ली के अंदर कूड़ा उठना, झाड़ू लगना बंद हो जाए, जगह जगह कूड़े के ढेर लग जाएं, मेन रोड्स पे कूड़ा डाला जाए और दिल्ली को पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में दिल्ली को बदनाम किया जाए। ये बिल्कुल वही स्थिति है, आज हम 2021 में हैं और ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जो आज से 5 साल पहले 2016 में थी। और दिल्ली वालों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, एक ही बात थी कि अगर भाजपा से दिल्ली नगर निगम नहीं चल रहा, इनको लगातार पैसे के लेकर इनके अंदर ये बात आ रही है कि इनसे पैसे का रखरखाव नहीं होता, ये दिल्ली नगर निगम के फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में भी सक्षम नहीं है, तो ये दिल्ली नगर निगम क्यों चला रहे हैं? इनको दिल्ली नगर निगम नहीं चलाना चाहिए, इन्हें हट जाना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति तो दोबारा होगी। चुनाव जीतने के बाद फिर से ये यही शुरू कर देंगे कि हमें पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हड़तालें हो रही हैं, कूड़ा कूड़ा हो रहा है, गंदगी हो रही है, कोई एक काम करने के लिए कोई आदमी इनके पास जाए तो ये यही कहते हैं हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो बजट नहीं है। तो 2017 का जब चुनाव हुआ तो दिल्ली वालों ने इनसे यही सवाल किया कि भाई जब पिछले 5 साल तुमसे नगर निगम नहीं चला और हर दूसरे दिन आप ये कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है, हम तनख्वाह नहीं दे पा रहे, हम पेंशन नहीं दे पा रहे, हड़तालें हो रही हैं, तो आप इस बार ऐसा क्या नया करोगे कि आप दिल्ली को अच्छा बनाओगे? तब उस वक्त के जो अध्यक्ष थे सांसद मनोज तिवारी जी, उन्होंने एक वादा पूरी दिल्ली के लोगों को किया था। मैं चाहूंगा कि आप मीडिया के साथी उस वादे को दिल्ली वालों को भी याद दिलाएं और भाजपा को भी याद दिलाएं। उन्होंने ये वादा किया था कि दिल्ली नगर निगम के अंदर अब पैसे की कमी नहीं होने देंगे और सीधा केंद्र से पैसा लेके आएंगे और दिल्ली नगर निगम चलाएंगे। ये बात 2017 के चुनाव की है, दिल्ली नगर निगम के चुनाव की है। सब जगह खूब ये बात चली थी, खूब इस चीज का प्रचार किया गया था। लिहाजा 2017 में भाजपा की सरकार दोबारा दिल्ली नगर निगम में बनी, तीनों निगमों में इनके मेयर बने। और आज जब हम 2021 में हैं और दिल्ली नगर निगम में सरकार बने, नई सरकार बने, इनको 4 साल हो गए हैं और आप देखिए बिल्कुल वही परिस्थितियां हैं। एक रुपया मनोज तिवारी केंद्र से नहीं लाए, एक रुपए की मदद केंद्र सरकार ने नहीं की। मैं ये चाहूंगा कि मनोज तिवारी इस बात को केंद्र सरकार के सामने रखें और अगर ये नहीं कर पाए तो मनोज तिवारी जी को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। अब उनको दिल्ली का सांसद रहने का कोई हक नहीं है। मनोज तिवारी इस बात पे अपना इस्तीफा दें कि उन्होंने दिल्ली वालों को झूठ बोला, पूरी दिल्ली के लोगों को गुमराह किया और एमसीडी को दोबारा सत्ता में आने के बाद भी एक रुपया भी केंद्र से नहीं मिला। और दूसरी बड़ी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं
नगर निगम की ये ड्रामेबाजी नौटंकी देखते हुए दिल्ली वालों को 15 साल हो गए। घूम फिर के एक ही बात रहती है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। हाई कोर्ट के अंदर कई बार दिल्ली नगर निगम जा चुका है, कई प्राइवेट लोग जा चुके हैं, और वहां पे हाई कोर्ट में ये बात साफ हो गई है कि दिल्ली सरकार को जो पैसा नगर निगम को देना चाहिए उससे ज्यादा ही दिया हुआ है। इसीलिए हाई कोर्ट ने अब तक कोई इनके लिए ऑर्डर नहीं दिया। कई बार ये गए क्योंकि हाई कोर्ट के सामने जब कागज दिखाए जाते हैं तो उस कागजों में ये बात साफ होती है कि दिल्ली सरकार का पैसा बकाया नहीं है, सारा पैसा दिया गया है। और अगर सारा पैसा देने के बावजूद भी, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी, कई नए टैक्स लगाने के बावजूद भी इनका पेट नहीं भरता और लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाजपा की पूरी नेतृत्व से कि आप दिल्ली नगर निगम को डिसॉल्व कर दें, इसको बर्खास्त कर दें, इसको खाली कर दें, और दिल्ली नगर निगम के नए चुनाव जो हैं कराए जाने चाहिए। यह हमारी मांग है। दिल्ली नगर निगम पूरी तरह फेल है, भाजपा का नेतृत्व पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है, पैसे के घोटाले रोज, मैं थक गया हूं घोटालों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, मैं थक चुका हूं, हजारों करोड़ के घोटाले हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और दिल्ली वालों की दुर्दशा इन्होंने की हुई है। तो दिल्ली नगर निगम को बर्खास्त करना चाहिए, इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए और दोबारा से दिल्ली नगर निगम के चुनाव कराने चाहिए ताकि दिल्ली नगर निगम के अंदर अच्छे लोग आए और दिल्ली नगर निगम को सुचारू रूप से चलाएं। धन्यवाद।